हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आप सभी का वुमनिया पे। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा आप देख रहे हैं। जी हाँ, ये है चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस एक्सीडेंट। अब यहाँ पे हुआ क्या है, पूरे मुद्दे को हम जानेंगे, पर उससे पहले वुमनिया चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और वीडियो को जो है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए जानते हैं पूरे मुद्दे को। दरअसल हुआ क्या कि जो ये ट्रेन आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक्सप्रेस ट्रेन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये चंडीगढ़ से चलती है और इसका जो डिपोर्टिंग पॉइंट यानी इसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो आपका डिब्रूगढ़ है। डिब्रूगढ़ जो है आसाम में, एक बहुत प्यारी सी जगह है डिब्रूगढ़, पूरा आसाम ही प्यारा है, ठीक है। तो कुल मिला के प्यारे से चंडीगढ़ से जो है डिब्रूगढ़ जो है ये ट्रेन जाती है, बट रास्ते में ये जो है हादसा हो जाता है। वो हादसा क्या होता है कि कुछ ट्रेन की जो बोगियां हैं कुल मिला के वो पलट जाती हैं, और इतने बुरी तरीके से पलटती है कि कुछ बोगियां जो है वो इतनी दूर जाकर गिरती है कि खेतों में भी माना जा रहा है कुछ बोगियां जो है वो वहां तक, मतलब कि देखिए ट्रेन की स्पीड जो होती है, और एक्सप्रेस ट्रेन थी, लोकल ट्रेन नहीं थी, एक्सप्रेस ट्रेन थी और चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी, और जो है एक एक तरीके से आप कह सकते हो कि बोगियां जो है वो आपस में टकरा जाती हैं, और टकराने के कारण जो है कुल मिला के पूरी ट्रेन अस्त व्यस्त हो जाती है। हालांकि बोगियां जो है वो एक के ऊपर एक तो नहीं चढ़ गई, बट इतनी दूर दूर जाके जो है वो फैली है, और दूर जाके फैलने का यही कारण है क्योंकि ट्रेन की जो स्पीड थी वो बहुत ज्यादा थी, ठीक है। एक्सप्रेस वे ट्रेन है, अधिकतर एक्सप्रेस वे हो गई, आपके शताब्दी हो गई, इनकी इन ट्रेनों की जो स्पीड होती है वो अधिकतम ज्यादा होती है। अब बात यह है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके से ये पलटी हुई बोगियां, यहाँ पे मैं एक इमेज भी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि ट्रेन की बोगियां जो है वो इतने बुरी तरीके से पलटी कि दूर जाकर खेतों में भी जो है वो ट्रेन की बोगियां जो है वो जाके पलट गई। अब बात यह है कि क्या कुछ यहाँ पे नुकसान हुआ है, कितने लोग जो है यहाँ पे मारे गए हैं। तो अभी ऑफिशियल जो डाटा आया है उसके हिसाब से माना जा रहा है 2 लोगों की यहाँ पे मौत हुई है, बट बहुत सारे लोग जो है जिनको चोटें लगी हैं, बहुत सारे लोग जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि अस्त व्यस्त हो गए हैं, उनका जो सामान है, जो लोग खुद है, ठीक है, उनके बहुत चोटें लगी हैं, कुछ किन्हीं किन्हीं की बहुत गंभीर चोटें लगी हैं। अब बात यह है कि क्या ये हाल फिलहाल में पहला ट्रेन एक्सीडेंट है जो इस तरीके से हुआ? नहीं, पिछले कुछ समय में अगर हम देखें, यानी कि अगर 1 से 1.5 महीने के समय से अगर हम देखें, तो 3 से 4 रेलवे ट्रेन एक्सीडेंट जो है वो देखने को मिल चुके हैं। जहां पे वेस्ट बंगाल में अगर आपको ध्यान हो तो ट्रेन जो है बिल्कुल पलट गई थी, उसकी बोगी बिल्कुल सीधी ऐसे करके खड़ी हो गई थी, जहां पे बहुत भारी नुकसान लोगों को उठाना पड़ा। वहीं उसके बाद एक हादसा होता है जहां पे ट्रेन में जो है वो आग लग जाती है, ठीक है, ट्रेन की बोगियों में आग लग जाती है। और वहीं अब देखिए ये एक और हादसा जहां पे जो बोगियां हैं कुल मिला के पलट गई और पूरी ट्रेन जो है वो अस्त व्यस्त हो गई। अब आप सोचिए अगर ट्रेन की स्पीड इतनी हो और बोगी एकदम पलट जाए, यानी आपस में जो है उन्होंने टक्कर मारी आपस में, और ये ऐसा क्यों हो रहा है इसका कारण भी समझिए। जब ब्रेक को एकदम से लगाया जाता है, ठीक है, यानी कि बहुत स्पीड में जब ब्रेक को लगाया जाता है तो जो बैलेंस क्योंकि ट्रेन लंबी होती है, तो डिसबैलेंस होता है, जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है, जिसके कारण बस जो बोगियां हैं वो अपना बैलेंस एक तरीके से जो जिस तरीके से वो कनेक्ट की जाती है उनको नहीं संभाल पाती है। और जहां पे एक जब क्योंकि स्पीड ज्यादा है तो एक अगर बोगी भी अस्त व्यस्त हो जाए तो पूरी ट्रेन जो है अस्त व्यस्त हो जाती है और एक बड़ा हादसा जो है वो देखने को मिलता है। तो कुल मिला के यही चीज यहाँ पे हुई है। और बात यह है, देखिए अगर इसी तरीके से जो है चलता रहा ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे लोग हैं, भारतीय लोग हैं, वो दरअसल रेलवे पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। वो मानते हैं कि आज भी लोगों का यही मानना है कि जो आपके एयरवेज सिस्टम है, जो फ्लाइट है, उनसे कई गुना बेहतर जो है वो ट्रेन है। क्यों? क्योंकि लोगों का मानना है ज्यादा सुरक्षित है, ज्यादा अफोर्डेबल है, ठीक है। बट अगर इसी तरीके से जो है हमें हादसे पे हादसे देखने को मिलते रहे, जो कि काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, अगर हम पिछले 1 से 1.5 महीने की स्थिति को देखें, तो जो एक इमेज है लोगों के मन में रेलवे के लिए, ट्रेन के लिए, तो वो जो है कुल मिला के एक तरीके से डिक्लाइन होती जाएगी और ये बिल्कुल भी सही बात नहीं होगी। तो इसी के लिए अब प्रशासन को जरूरत है, सरकार को जरूरत है एक महत्वपूर्ण कदम को उठाने की। रेलवे में जो खर्चा हो रहा है उसको जो है पूर्ण रूप से सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है तो टेक्नोलॉजी का जो है इस्तेमाल होना चाहिए, ऑटोमेटेड रेल सिस्टम का जो है यहाँ पे प्रयोग होना चाहिए, कवच सिस्टम का जो है बखूबी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ AI का जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम बात करते हैं, बट इसका ट्रेनों में जो है उपयोग बहुत बेहतर हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें करने की अब जरूरत आ चुकी है अगर
हमें अपने ट्रेन सिस्टम को, रेलवे सिस्टम को जो है एक तरीके से बचा के रखना है। चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे ही एंड करते हैं। हालांकि इसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स भी बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं, बट यहीं पे ही एंड करते हैं। इस तरीके से न्यूज मैं आपके लिए लाती रहूंगी। थैंक यू सो मच। वुमनिया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।